गुड इवनिंग एवरी वन आई एम रिच एन वॉचिंग परचम आज के सेशन में हम डिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एम्फेसिस रहेगा नेशनल न्यूज़ पे वो सारी नेशनल न्यूज जो हर एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे स्कीम्स हो प्रोजेक्ट्स हो कुछ भी हो इंपॉर्टेंट देखेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन की न्यूज़ यहाँ देखेंगे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन को अलग से भी हर हफ्ते मंडे 7 पीएम डिस्कस किया जाता है पायल मैम ये सेक्शन लेकर के आती है जिसे हम इकोनॉमिक और फाइनेंस करंट अफेयर्स कहते हैं उसमें बैंकिंग वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड रहता है तो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस सेक्शन ऑल्सो चलिए शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज से पर नए सब्सक्राइबर्स के लिए इंफॉर्मेशन में दे दूं मंथली सीए जो मैं डील करती हूं वो अलग अलग पार्ट्स में ली जाती है पूरी आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है प्लेलिस्ट में हर महीने की हर पार्ट की करंट अफेयर आपको मिल जाएगी लेकिन इस पूरे मंथली सीए का एक सिंगल पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है सारे पार्ट्स का वन सिंगल पीडीएफ वो आपको मिल जाएगा परचम क्लासेज डॉट इन पे परचम क्लासेज डॉट इन वेबसाइट पे इंग्लिश में भी और हिंदी में भी दो एडिशन आते हैं आप चाहें तो वहां से ले सकते हो चलिए अब आज की ताजा खबर आपकी ईयर बुक परचम करंट अफेयर ईयर बुक यानी पूरे साल का निचोड़ हो चुका है लॉन्च आज है टेंथ जनवरी आज की लॉन्चिंग डेट थी अभी इंग्लिश एडिशन लॉन्च हुआ है परचम ऐप और वेबसाइट परचम क्लासेस डॉट इन पे हिंदी एडिशन कुछ ही दिनों में हम लोग आपके लिए ले आएंगे उस पर काम चल रहा है ना ये 2023 एडिशन है यानी पूरे साल की जो न्यूज है 2022 की जो न्यूज है वो एज ऑन डेट अपडेटेड है 2023 तक की अपडेटेड न्यूज और पूरे साल की न्यूज को अलग अलग कैटेगरी वाइज सब कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है प्रॉपर इंडेक्स प्रॉपर कैटेगरीज डेट ए प्रिंट टेबल फॉर्मेट के अंदर ही आपको दी गई है ये ई बुक e है हम लोग प्रिंटेड वर्जन पे भी काम कर रहे हैं जल्द ही आपको अपडेट दे दिया जाएगा जब भी वो अवेलेबल हो जाती है नहीं हो पाएगी तो वो भी बता दिया जाएगा ठीक है वी आर वर्किंग ऑन आर एंड कि आपके लिए प्रिंटेड बुक भी अवेलेबल करवा सके देखते हैं वेदर इट वर्क ऑन ऑर लाइक आई टोल्ड यू अभी इंग्लिश वर्जन हमने इशू कर दिया है रिलीज कर दिया है हिंदी वर्जन बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगा ज्यादा जानकारी के लिए आई टेक एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन इट 2023 के करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी परचम ऐप पे अवेलेबल है जिसमें आगे आने वाले जितने भी करंट अफेयर के पी होंगे वो एक ही जगह आप सब्सक्राइब कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में इस सेम सब्सक्रिप्शन में आपको कंटेंट मिल जाएगा अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट के भी पी चाहते हैं तो आपको पी बैंक की तरफ जाना चाहिए या आपका टाइम एफर्ट और मनी तीनों चीज़ सेव कर सकता है चलिए अब हो गई सारी जानकारी आ जाते हैं किक स्टार्ट क्वेश्चन की तरफ ताकि आपका दिमाग एक्टिव हो जाए पढ़ाई के मोड में आ जाए तीन क्वेश्चन आपके लिए यहाँ दिए गए हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है ट्राई कीजिए इनको आंसर करने का नहीं तो इनके जवाब आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे राइट पहला क्वेश्चन है जिंग किंग जिरी लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप है ये कहां सिचुएटेड है इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया था पिछले साल तो ये कहां पर है कौन से स्टेट के अंदर बिलोंग करते हैं आपसे पूछा जा रहा है दूसरा साइक्लोन आया था साइक्लोन मंडोज साइक्लोन मेंडोज जो है उसका नाम कौन सी कंट्री ने दिया था जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या साइक्लोन्स आते हैं अलग अलग देश उसका नामकरण करते हैं सो साइक्लोन मंडोज जो हाल ही में देखा गया आज की न्यूज में डिस्कस करेंगे उसका नामकरण कौन से देश ने किया एंड फाइनली इंडिया असिस्टेड मैंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रेड प्रोजेक्ट इन विच कंट्री सो एक देश है जिसके लिए इंडिया ने असिस्ट किया है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम किया है और अब उसको हैंड ओवर किया जा रहा है जिस कंट्री के लिए बनाया गया उसको तो कौन सी कंट्री है जिसके लिए इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन आपके लिए ट्राई कीजिए आंसर करने का नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं आज के वीडियो में सीखने को मिलेगा चलिए बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ केवीआईसी चेयरमैन इनग्रेट्स री प्रोजेक्ट इन नैनीताल री प्रोजेक्ट क्या है इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज यस मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके ह्यूमंस पे जो अटैक हो रहे हैं कौन कर रहा है अटैक एलिफेंट्स जो अटैक कर रहे हैं तो जहां जहां पे एलिफेंट्स अटैक कर रहे हैं ह्यूमंस पे वहां मधुमक्खियों हनी बीज के इस्तेमाल से उन अटैक्स को रोका जा रहा है यह है रीहैप प्रोजेक्ट और अभी हाल ही में इसको नैनीताल के अंदर इनाग्रेट किया गया है अदरवाइज ऑल्सो उन स्टेट्स में जहां पे एलिफेंट अटैक बहुत कॉमन है इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है और नैनीताल में अभी ये वन ईयर के लिए इनाग्रेट किया गया है के चेयरमैन जिन्होंने इनाग्रेट किया उनका नाम है मनोज कुमार चलते हैं अगली न्यूज पे जयपुर ग्राउंड गेको इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स टू ऑफ साइट्स तो जयपुर ग्राउंड गेको को साइट्स के अपेंडिक्स टू में शामिल कर लिया गया है ना व्हाट इज साइट्स एंड व्हाट इज अपेंडिक्स टू देख लेते हैं साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ सो जो भी थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है उनके ट्रेड वगैरह से रिलेटेड साइट्स uh, होता है और उसके अंदर स्पेशली लिस्टिंग की जाती है कि अपेंडिक्स वन में रखा जा रहा है टू में रखा जा रहा है अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से तो अब जयपुर ग्राउंड गैको को अपेंडिक्स टू में शामिल किया गया है वॉट इज अपेंडिक्स टू अपेंडिक्स टू का मतलब है ऐसी लिस्ट जिसमें जिन स्पीशीज़ को डाला जा रहा है वो नॉट नेसेसरिली थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन हो यानी वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है बिल्कुल एक्सटेंट होने की कगार पर नहीं है लेकिन वह ऐसा हो सकती हैं अगर उनकी ट्रेड को कंट्रोल नहीं किया गया यानी कि यह जो आपको गैको दिख रही है जयपुर ग्राउंड गैको इसकी ट्रेड बहुत होती है तो अगर इसकी ट्रेड नहीं रोकी जाएगी तो बहुत ही जल्दी एक्सटेंशन की कैटेगरी में आ सकती है इसलिए इसको अपेंडिक्स टू में डाला गया ताकि इसकी ट्रेड को कंट्रोल किया जा सके और ये कहाँ पाया जाता है गेको ये ईस्टर्न घाट्स का एंडेमिक है मतलब वहीं पाया जाता है और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था 1878 में फिर ये बहुत समय के लिए नहीं दिखा तो इसको एक्सटेंग मान लिया गया लेकिन फिर 130 थर्टी ईयर्स के बाद ये अगेन 2011 के अंदर पाया गया था एंड कौन सी कैटेगरी में लाया करता है ये एंडेंजर्ड में लाया करता है तो थ्रेटन स्पीशीज़ थ्रेटन स्पीशीज़ जो होती हैं वो तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड होती है वल्नरेबल यानी जो एंडेंज uh, एंडेंजर्ड हो सकती है अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो एक हो गई वल्नरेबल एक हो गई एनडेंजर्ड जिसके ऊपर खतरा है किसका एक्सटिंक्ट होने का एक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जिसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरा है विलुप्त होने का तो ये वल्नरेबल है ध्यान नहीं रखा तो हो सकती है ये एंडेंजर्ड है यानी इस पर खतरा है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड बहुत ही खतरा है और ये तीनों ही थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर काउंट की जाती है ठीक है अब इंडिया ने प्रपोजल दिया था के जो गैको है इसको शामिल कर लिया जाए कॉप नाइनटीन जब हो रहा था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पनामा सिटी में और इसका मान लिया गया और इसको ऐड कर लिया गया है ना गैको का जो मेजर थ्रेट है वो हैबिटेट लॉस है ट्रेड है फायर जो हो जाती है फॉरेस्ट के अंदर माइनिंग वगैरह जो होती है तो उसका हैबिटेट लॉस होता है इससे गैको को खतरा है जयपुर गैको चलिए नेक्स्ट न्यूज 29 थ्रेटन स्पीशीज ट्वेंटीजेड इन इंडिया इंडिया से 29 थ्रेटन थ्रेटन स्पीशीज और असेस की गई यानी एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड या क्रिटिकली कैटेगरी में और नाम शामिल किए गए हैं कौन कौन से फटाफट देख लेते हैं सो आई यू सी एन रेड लिस्ट होती है आई यू सी एन रेड डेटा बुक भी बोलते हैं आई यू सी एन रेड लिस्ट होती है जिसमें सारी थ्रेटन स्पीशीज जो वर्ल्ड की होती हैं उनको शामिल किया जाता है और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो मॉन्ट्रियल कैनेडा में हो रही थी

स्मूथ हाउंड शार्क एंडमन की स्मूथ हाउंड शार्क इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाला गया वल्नरेबल एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड सो वलनरेबल कैटेगरी में है देन येलो हिमालयन फर्टिलरी प्लांट येलो हिमालयन फर्टिलरी प्लांट इसको आ, जो जंगली लहसुन होता है ना उसकी तरह बोल करके इसका ट्रेड किया जाता है और उसके चक्कर में एकदम से कमर्शियल मार्केट में आ गया है और इसलिए थ्रेटेंड हो गया है कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है ये भी वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ रहा है ठीक है तो ये तीन इंपॉर्टेंट स्पीशीज हमने देख ली नेक्स्ट हम आते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घास के मैदानों में भागने दौड़ने वाली बर्ड है उड़ती भी है आ, काफी बड़ी बर्ड है एंड इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है अपना एक फैसला दिया है फैसला तो क्या इन्होंने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से कि भाई आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्रोजेक्ट लेकर के आइए जिससे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है ताकि इसकी आबादी घटने से रुके सो so, सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रिक्वेस्टेड फॉर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लाइक वन फॉर टाइगर्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस सेप्स और इसको लोकली गोडावन भी कहा जाता है पिछले जो सेशन मैंने आपका लिया था उसमें मैंने आपके लिए साइनिंग ऑफ क्वेश्चन छोड़ा था कि बताइए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सबसे ज्यादा आबादी कौन से स्टेट में है द आंसर इज राजस्थान राजस्थान में ये बर्ड बहुत ज्यादा पाई जाती है मतलब पूरे इंडिया में जहां भी पाई जाती है मैक्सिमम 95 परसेंट राजस्थान में पाई जाती है लोकली इसको गोडावन कहते हैं क्या कहते हैं गोडावन और ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीशीज है इंडिया की घास के मैदानों में यूजली देखने को मिलती है राजस्थान के बाद गुजरात में भी आपको मिल जाएगी देन वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग बर्ड्स इन दी वर्ल्ड और इंडिया की सबसे बड़ी फ्लाइंग बर्ड यही है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंडियन बस्टर्ड के अलग अलग स्पीशीज होती है उसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे बड़ा होता है 5 टू 8 के की फीमेल होती है 12 टू 15 के का मेल होता है राजस्थान में 95% इसकी पॉपुलेशन वर्ल्ड की नॉट जस्ट इंडिया की वर्ल्ड की फाइव परसेंट पॉपुलेशन राजस्थान में देखने को मिल जाएगी ओके okay? नाउ ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है मैं आपको बता दूं ना मेनली राजस्थान में भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि नेचुरल हैबिटेट है स्पीशीज का यहाँ ये पाई जाती है उसके अलावा कच्छ गुजरात के अंदर कुछ रीजन ऑफ महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश में भी देखी जाती है ओके okay? और कौन सी कैटेगरी में आती है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिक्वेस्ट इशू हुई है कि प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चालू किया जाना चाहिए चलिए देन काजीरंगा प्रोजेक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क है उससे जुड़ा हुआ काजीरंगा प्रोजेक्ट फटाफट देख लेते हैं इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेट कर रहे हैं काजीरंगा प्रोजेक्ट पे। तो इंडिया के साथ कौन सी कंट्री कोलैबोरेट कर रही है फ्रांस ध्यान रखेंगे अब फ्रांस ने कमिट किया है 80.2 मिलियन यूरोस 10 साल के लिए और ये पूरे ड्यूरेशन तक इंडिया और फ्रांस मिलकर के प्रोजेक्ट काजीरंगा पे काम करेंगे जो प्रोजेक्ट है वो पार्ट है लार्जर असम प्रोजेक्ट का ऑन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी है ना पीरियड के उस दौरान जो भी काम हुए होंगे वो सब इस राशि से फर्दर यूज किए जाएंगे प्रोजेक्ट रिफॉरेस्टेशन करेगा 33,500 हेक्टेयर ऑफ लैंड का और ट्रेनिंग देगा दस हजार कम्युनिटी मेंबर्स को ट्वेंटी तक ठीक है तो मेजर वर्क जो इस प्रोजेक्ट का रहेगा एक तो पूरा रिफॉरिस्टेशन करना ताकि नेचुरल हैबिटेट प्रॉपर्ली चलती रहे और लोगों को ट्रेन करना अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ वन हॉर्न राइनोस पर्टिकुलरली ठीक है काजीरंगा नेशनल पार्क के जो ट्रिविया है वो आप यहाँ देख सकते हो चलिए आगे बढ़ते हैं थ्री हिमालयन मेडिसिनल प्लांट्स एंटर आई यू सी एन रेड लिस्ट आई यू सी एन की रेड लिस्ट में तीन हिमालयन औषधीय पौधे यानी मेडिसिनल प्लांट भी शामिल हैं इनमें से एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने जो जंगली लहसुन की बात की थी दैट इज फ्रिटलोरिया फ्रिटेलोरिया सिरहोसा वल्नरेबल कैटेगरी में अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था उसके अलावा दो पौधे और हैं देख लेते हैं मीजोट्रोपिस पेलीटा फिर फ्रिटेलोरिया सिरहोसा हमने देख ही लिया उसके अलावा डैक्टेलोरिजा हेटगिरिया सो so, ये तीन मेडिसिनल पौधे हैं जो कि आयु सी एन रेडलेस में शामिल हुए हैं कौन कौन सी कैटेगरी में है मीजोट्रोपिस पेलिटा जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है इसलिए थोड़ा आप स्पेशल ध्यान इस पे देंगे बाकी आपने फ्रिटलोरिया सिरोसा देख लिया वरेबल कैटेगरी में था और डैक्टेलोरिजा हेटेगिरिया एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है और ये तीनों ही जो मेडिसिनल प्लांट हैं हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं स्प्रेड अक्रॉस नेपाल इंडिया चाइना सिक्किम अफगानिस्तान वाला पूरा पाकिस्तान वाला बेल्ट सेंटर अवार्ड नाइन जी आई टैग्स और अब टोटल गिनती हो जाती है जी आई टैक्स की फोर थर्टी टू सो जी आई टैक्स पे स्पेशली अलग से मैंने एक सेशन लिया था परचम क्लासेस वॉल्यूम टू चैनल पे ये एक और चैनल है परचम क्लासेस का जहां पे जो भी न्यूज डिटेल में डिस्कस करनी होती है वो अलग से एक सेशन लिया जाता है तो यहाँ पे जी आई टैग नाइन जो है उन पे आई हैड टेकिन द सेशन आई होप आपने देखा हो एनीवेज तो यूनियन गवर्नमेंट ने जी आई टैग दिया नाइन और प्रोडक्ट्स को इन नाइन प्रोडक्ट्स में से फाइव केरला से ही थे बाकी चार दूसरे थे और आ, टोटल नंबर ऑफ जीआई आई अब 432 हो जाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीआई आई टैक्स कौन से फाइव स्टेट्स में हैं सो so, सबसे ज्यादा जीआई आई टैग कर्नाटका के अंदर है देन तमिलनाडु केरला उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र कौन से हैं ये नाइन जी आई देखते हैं फटाफट गामोसा फ्रॉम असम ये कपड़ा होता है फैब्रिक होता है गामोसा देन लद्दाख के राक्से कार्पो एप्रिकॉट एप्रिकॉट अलीबाग के व्हाइट अनियन महाराष्ट्र अप्रिक� से जी आई टैग है तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम जो तुअर की दाल होती है ना तंदूर रेड ग्राम और फिर केरला से ये पांच पांचों एग्रीकल्चर कैटेगरी के अंदर हैं बीन्स हैं रेड ग्राम है सीसम है गार्लिक है और स्नैप मेलन है इनके नेम्स दिए हुए हैं यहाँ पे ठीक है जी डिटेल अभी नहीं करवा रही रहे बिकॉज वी वो ऑलरेडी कवर्डेड एल्सवेयर यहाँ आपको सिर्फ इनके नाम आप ध्यान रखिएगा एंड दैट शुड बी ऑल तो इनको आप अटपटी अटुकोम्बो आवरा बीन्स केरला का ना करके आप इनको आवरा फ्रॉम केरला ऐसे भी ध्यान रख सकते हो अवरा बीन्स केरला से देन है, है ना वो केरला से जी आई टैक्ट है बेसिकली द प्लेस और थुवर इज द प्रोडक्ट प्रोड्यूस जो होती है। फॉर लेजेंडरी बायपोर उरू ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पिछले वीडियो में किया था कि बायपोर उरू पिछले से पिछले मेरा दर बाइपोर उरु एक बोट होती है कहां की है केरला की है और इसके लिए जीआई टैग अप्लाई किया गया है सॉर्ट किया गया अभी मिला नहीं है ठीक है सो so, बायपोर उरु अगर आप देख सकते हो ये वुडन शिप है और पूरी हाथ से बनाई जाती है सो तो बहुत बड़ा आर्ट क्राफ्ट का काम है और ये जो वुडन शिप है या सेलिंग बोट है सेलिंग वेसल है इसको धाऊ बोलते हैं और इसको खलासीज़ बनाते हैं और उनके अंदर बहुत सालों की आर्ट है जिसकी वजह से बनती है एटलीस्ट चार साल लगते हैं और फोर्टी खलासीज लगते हैं एक उरु बनाने में और ये मलाबार टीक जो पेड़ है उसकी लकड़ी से बनाई जाती है और चलियार रिवर के पास एक टाउन है बाइपोर सो so, बायपोर इज द जगह एंड उरु इज बोट ठीक है कहां से है ये जी आई टैक की के एप्लीकेशन केरला से है आपको ये ध्यान रखना है नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी आई टैग का कुछ यहां पे आप ट्रिव्या देख सकते हो कि जी आई टैग कौन असाइन करता है दस साल के लिए असाइन होता है सो so, बेसिकली कोई प्रोडक्ट है कौन सी जोग्राफी को बिलोंग करता है वो प्रोडक्ट वो जी आई टैग टैगिंग करता है ठीक है जैसे कोई कंपनी कोई एक प्रोडक्ट है वो कौन सी कंपनी का है तो टैग लगा हुआ होता है इसी तरह से एक प्रोडक्ट है वो ओरिजिनली कौन सी लोकेशन को बिलोंग करता है वो टैग जी आई टैग है काफी बार हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। हैं, चलिए नेक्स्ट। तो तो विश्व धरोहर जो होती है, UNESCO होती होती वर्ल्ड साइट्स उनकी लिस्ट होती है। तो पहले tentative list के अंदर इंडिया ने जैसे डाल दिया कि भाई हमने प्रपोज किया ये ये साइट्स होनी चाहिए फिर यूनेस्को की पूरी टेंटेटिव लिस्ट हो जाती है तो हमारे कितने सारे साइट्स हैं जो कि चुके हैं हमारे 52 है, इंडिया के फिफ्टी टू साइट है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में यानी फ्यूचर में ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकते हैं अभी टेंटेटिव है और राइट अस्थाई सूची हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अस्थाई सूची का हिस्सा है ये कौन कौन सी तीन साइट है जिनको ऐड किया गया वडनगर वडनगर गुजरात के अंदर है और ये मोदी जी का होम टाउन भी है देन सन टेम्पल मधेरा मधेरा का सूर्य मंदिर जो है रॉक कट स्कल्पचर्स और रिलीफ उन कोटी उन कोटी के जो स्कल्पचर्स हैं मूर्तियां हैं और ये कहां पर है त्रिपुरा के अंदर है तो ये तीन टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किए गए हैं टोटल कितनी हैं टेंटेटिव लिस्ट में 52 टू हैं बावन साइड्स हैं कौन प्रपोज करता है मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस नॉमिनेशन के लिए इंडिया ने नॉमिनेट किए फिर टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुए तो नॉमिनेट करता है ए आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंस्टीट्यूट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉट इंस्टीट्यूट चलिए वडनगर के बारे में देख लीजिए महसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और मैंने आपको कहा था प्राइम मिनिस्टर का होम टाउन भी है और एक ये बहुत हिस्टोरिकल टाउन है एट सेंचुरी बीसीई से इसकी रूट्स जुड़ी हुई मानी जाती है फिर सन टेंपल मोदरा सन टेंपल की बात करें तो सबसे पहला ये हेरिटेज साइट है इंडिया का जो सोलर पावर से जगमगाया था राइट और ये मारू गुर्जर आर्किटेक्चर स्टाइल एलेवेंथ सेंचुरी का जो है वो यहाँ देखने को मिलता है और सोलंकी डायनेस्टी से इसके रूट्स जुड़े हुए माने जाते हैं उनकोटी केव्स की के अगर हम बात करें तो इनको अंकुर वत ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी कहा जाता है इनमें शैव आ, कल्चर के जो रॉक स्टैचूज हैं वो देखने को मिलते हैं और ये रघुनंदन हिल्स उनकोटी रेंज है उसमें रघुनंदन हिल्स पे हैं वहाँ पे ये सारी स्कल्पचर्स देखने को मिलती हैं और एट नाइन्थ सेंचुरी की स्कल्पचर्स ये मानी जाती हैं अच्छा अब इसके अलावा क्योंकि हमने टेंटेटिव लिस्ट तीन साइट्स बोली तो 2022 में 2022 में टोटल कितनी टेंटेटिव लिस्ट में साइट शामिल हुई सिक्स हुई थी तीन हमने पहले पढ़ी थी मार्च अप्रैल के आसपास तीन हमने और पढ़ी हैं तो वो पुरानी तीन कौन सी हैं अभी हम देख लेते हैं सो टोटल सिक्स इंडियन साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में ट्वेंटी में शामिल हुई पहले तीन थे जियोबिल्स ऑफ कोंकन रीजन ऑफ इंडिया महाराष्ट्र ये जो आपको दिख रहे हैं जमीन पे बड़े बड़े ड्राइंग जैसे यू नो चित्रकारी बनी हुई सो जियो गिल्फ्स ऑफ कोंकण रीजन महाराष्ट्र फिर जिंग के जिंग जिरी जो मैंने आपको कहा था लिविंग रूट ब्रिजेस हैं पेड़ हैं उनकी बड़ी बड़ी जड़ें हैं उनको जोड़ जोड़ के इस तरह से ब्रिजेस बनाए गए हैं कहाँ है ये मेघालय के अंदर है और फिर वीरभद्र टेम्पल एंड मोनोलिथिक बुल नंदी इनकी जो ये मूर्ति है ये भी टेंटेटिव लिस्ट में मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से तराश करके नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो बनाई गई है वो कहाँ पर है वीरभद्र टेंपल के परिसर के अंदर ये मोनोलिथिक बुल है पाक्षी और ये कहां है आंध्र प्रदेश में तो ये तीन टेंटेटिव लिस्ट में पहले शामिल हुए थे तीन अभी हो गए टोटल इस साल पिछले साल हो गए और अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें इंडिया की 40 साइट्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं जिसमें 32 नेचुरल हैं सेवन 32 कल्चरल हैं है सेवन नेचुरल हैं और वन मिक्स्ड है मिक्स कौन सी है कंचनजंगा ठीक है चलिए कंचनजंगा नेशनल पार्क ये आपको यूनेस्को के कुछ द्रिव्या दिख जाएंगे नेक्स्ट इंडिया अज्यूम्स द ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर डिसम्बर मंथ 2022 यानी इंडिया ने अपनी प्रेजिडेंसी स्टार्ट की थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की दिसंबर मंथ के लिए 2022 में अब तो खैर खत्म भी हो गई दिसंबर की न्यूज है इसलिए ऐसा लैंग्वेज है इसका अब देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो टोटल पंद्रह मेंबर्स उसमें होते हैं जिसमें पांच परमानेंट मेंबर्स हैं और दस नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इंडिया को और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं दो दो साल के टेन्योर के लिए चूज किए जाते हैं तो इंडिया की नॉन परमानेंट मेंबर वाला टेन्योर दो साल का खत्म हो गया इकतीस दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुआ था फर्स्ट जनवरी 2021 को और खत्म होते होते एंड के मंथ में हमको प्रेसिडेंसी यूएनएससी की मिली थी राइट right? एंड uh, ये अपने uh, इस दो साल के कार्यकाल में दूसरी बार प्रेसिडेंसी हमारे पास आई है नाउ सो फार इंडिया हैज बिन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यू टोटल कितने टाइम्स एट टाइम्स देखो मैंने आपको बताया टोटल फिफ्टीन मेंबर्स होते हैं फाइव हैं परमानेंट और टेन है नॉन परमानेंट ये टेन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये वाली पोजीशन पे हम आठ बार आ चुके हैं ये दो दो साल के टेन्योर के लिए होता है और जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना यूएस रशिया फ्रांस एंड यू ये परमानेंट मेंबर्स हैं राइट बस इतनी सी बात है चलिए आगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी की हम अगर बात करें अच्छा ये फाउंड हुआ था 1946 के अंदर कॉम्पोजिशन मैंने आपको समझा ही दिया अब बात करते हैं देखिए जो पांच परमानेंट मेंबर हैं वो तो है ही ये हमने देख लिया अब जो दस नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से भी पांच ऐसे होंगे जिनका टेन्योर ट्वेंटी थ्री मतलब वो बाईस और तेईस के लिए आए हैं और पांच ऐसे होंगे जो तेईस चौबीस के लिए आए तो ऐसा नहीं होगा कि दसों मेंबर एक साथ उनकी जो टेन्योर है वो खत्म हो जाए पांच पांच करके उनकी टेन्योर खत्म होती है इनकी टेन्योर खत्म होगी इनकी चल रही होगी फिर पांच और आ जाएंगे फिर इनकी खत्म होगी पांच और आ जाएंगे दिस इज हाउ इट सो हैर्मानेंट मेंबर जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री के लिए ऑलरेडी इन प्लेस है वो अल्बेनिया ब्राजील यूए घाना और गेबन है और अगर हम ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर की नॉन परमानेंट टर्म की बात करें तो स्विट्जरलैंड इक्वेटोर माल्टा जापान और मोजाम्बिक हैं दिस इज हाउ इट चलिए नेक्स्ट इंडियन सिटी हैज गॉट चेयरमैनशिप ऑफ अर्बन ट्वेंटी इवेंट्स अंडर जी ट्वेंटी समिट सो किस भारतीय शहर को जी ट्वेंटी समिट के तहत शहरी ट्वेंटी कार्यक्रमों की अध्यक्षता मिली है चेयरमैन ऑफ यू ट्वेंटी अर्बन ट्वेंटी अब देखो ये जब भी ट्वेंटी जैसा कुछ आएगा जी ट्वेंटी से जुड़ा हुआ ही है ये जी ट्वेंटी प्रेजिडेंसी हमको मिली है सो so, इसके तहत अलग अलग बॉडीज बनाई जाएंगी जो अलग अलग फंक्शनिंग करेंगी तो ये जो अर्बन ट्वेंटी आप देख रहे हो अर्बन ट्वेंटी इवेंट्स का काम क्या होता है जो सिटी लेवल होते हैं अब सारे कंट्री हेड्स मिलकर के जी ट्वेंटी समिट में मीटिंग कर रहे हैं पर वो एजेंडा कौन सा डिस्कस कर रहे हैं लोअर लेवल से ही वो एजेंडा ऊपर तक लाए जाते हैं जब डिसीजन ले लिए जाते हैं वही डिसीजन लोअर लेवल तक पहुंचाने लोअर लेवल यानी सिटी लेवल तो वही सिटी लेवल के कोऑर्डिनेशन के लिए अर्बन ट्वेंटी गठित किया जाता है और तो उसका चेयरमैन कौन सी सिटी को बनाया गया है चेयरमैनशिप किसके पास है अहमदाबाद के पास है ठीक है ठीके? हेरिटेज सिटी ऑफ अहमदाबाद बस इतनी बात है जो आपको ध्यान रखनी है मैंने पूरा पॉइंट आपको समझा दिया है एंड ऑफिशियली uh, हमने प्रेजिडेंसी अज्यूम की डिसम्बर फर्स्ट को और सबसे पहला हमारा जो समिट uh, रहा वो उदयपुर के अंदर हमने कंडक्ट किया अच्छा चलो यहीं पे बता दो हु इज़ द शेरपा हु इज़ द शेरपा ऑफ जी ट्वेंटी इंडिया चलो बताओ आई आई एस सी बैंगलोर टू भी जी ट्वेंटी सेक्रेटेट अब देखिए साइंस के अंदर जो भी आरएनडी करनी है विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय किसको दिया गया है जी ट्वेंटी का सेक्रेटेरिएट आई आई एस सी बैंगलोर को दिया गया है ठीक है और जैसे अभी हमने देखा अर्बन ट्वेंटी का चेयरमैनशिप गई अहमदाबाद को इसी तरह से जी ट्वेंटी साइंस वर्किंग ग्रुप की सेक्रेटेरिएटशिप गई है आई आई एस सी बैंगलोर को थीम रही डिस्क्रप्टिव साइंस

जैसे फर्स्ट दिसंबर को हमने जी ट्वेंटी की प्रेजिडेंटशिप ली फर्स्ट जनवरी को हमने वाजीनार अरेंजमेंट की चेयरमैनशिप uh, ली ना वॉट इज दिस वाजिनार अरेंजमेंट उससे पहले देख लीजिए कि एक साल के लिए चेयरमैनशिप हमारे पास आई है एंड ये जो अरेंजमेंट होता है ये वियना से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो वियना है उससे जुड़ा हुआ है सो थर्टीथ नवंबर फर्स्ट दिसंबर को ट्वेंटी सिक्स एनुअल प्लेनररी यानी मीटिंग हुई जिसके अंदर ये डिसीजन सुनाया गया था फर्स्ट जनवरी से इंडिया अज्यूम करेगा चेयरमैनशिप ऑफ वाजेजमेंट ना अरेंजमेंट को इंडिया ने ज्वाइन किया था दिसंबर के अंदर और अब इसके अंदर फोर्टी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स यानी कंट्रीज हैं ठीक है यहां तक की बात समझ में आई अब क्वेश्चन आता है वाजेनार अरेंजमेंट है क्या तो अब जितने भी इसमें आपने देखे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके बीच का ये एक अग्रीमेंट है कि अगर आप आ, सिक्योरिटी से रिलेटेड मिलिट्री से रिलेटेड कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या आदान प्रदान करते हो देशों के साथ तो वो एक्सप्लेसिड होना चाहिए यानी सबकी नज़रों में आना चाहिए यानी सबके बीच में उसकी उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं वाजिनार अरेंजमेंट के ये है वाजेनार अरेंजमेंट ठीक है सो ये जुलाई 1996 में बने बना था वाजेनार नीदरलैंड्स के अंदर सबसे पहली चीज वॉलेंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है 42 मेंबर कंट्रीज का क्योंकि 42 मेंबर्स हैं वाजेनार अरेंजमेंट में तो ये वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है कि आप कितना क्या चीज एक्सपोर्ट कर रहे हो किस देश को पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली वेपन्स और फिर ऑफ़ कोर्स गुड्स एंड टेक्नोलॉजी इनसे जुड़ी हुई तो मेंबर कंट्रीज एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड डू यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज जो कि यूज़ uh, की जा रही हैं गुड्स और टेक्नोलॉजीज और पर्टिकुलरली वेपन जो भी आप आदान प्रदान कर रहे हो एक्सपोर्ट कर रहे हो उनकी इन्फॉर्मेशन ये सारे कंट्रीज uh, के पास में होनी चाहिए सो मेन पर्पज इसका यही है ताकि ग्लोबल पीस को अगर थ्रेट हो रहा हो तो कंट्रीज को पता चल जाए तो वह अग्री करेंगे तो उस चीज़ को आगे बढ़ाया जा सकता है जो पार्टिसिपेटिंग नेशनस हैं वो साल में एक बार मिलते हैं कहाँ इसकी मीटिंग होती है वियेना ऑस्ट्रिया के अंदर ठीक है ओके okay, बस इतनी सी अगेन ये बात है सो डब्ल्यू ए प्लेनरी डिसीजन मेकिंग और गवर्निंग बॉडी है इस पूरे अरेंजमेंट की हर साल में एक बार ये मिलते हैं वहां पे और जो भी इस पूरे साल के दौरान पार्टिसिपेटिंग नेशन ने जो भी ट्रेड वगैरह किया है उसका डिस्क्लोजर किया जाता है और किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है वो सारे डिस्कशन और वोटिंग उसी तरह से की जाएगी नेक्स्ट डिजी यात्रा फैसिलिटी स्टार्ट एट डेली वाराणसी एंड बैंगलोर एयरपोर्ट डिजी यात्रा फैसिलिटी यानी कि आपका आ, फेस देख करके ही आपकी स्कैनिंग हो जाएगी एयरपोर्ट्स के अंदर है ना सो so, आपके आधार से लिंक कर दिया जाता है आपकी आइडेंटिटी को तो आपको हर एक चीज हर एक डॉक्यूमेंट मैनुअली नहीं दिखाना पड़ेगा वो है डिजी यात्रा डिजिटली आपका आइडेंटिफिकेशन अप्रूव कर दिया जाएगा ये फैसिलिटी कहां स्टार्ट हुई है दिल्ली वाराणसी बैंगलोर में शुरू हुई फर्स्ट फेज में सेकंड फेज के अंदर ये चार और एयरपोर्ट्स पे शुरू की जाएगी सो टोटल सेवन एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे डिजी यात्रा फैसिलिटी इस बार चालू की गई है सो so, आई एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में उसके अलावा बैंगलोर का कैंपे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे फेज़ वन में शुरू हुई उसके बाद जी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पे भी सेकेंड फेज में शुरू होनी है गॉट इट कोई प्रॉब्लम इसमें आई होप नॉट चले आगे डिजी यात्रा क्या मैंने आपको बता दिया फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है पैसेंजर्स जो होंगे वो रजिस्टर करके अपना फेशियल रिकॉग्निशन फटाफट करवा सकते हैं किसने डेवलप की है तो प्रमोट की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने और इसको डेवलप करने के लिए डिजी यात्रा फाउंडेशन सेटअप किया गया था दो में जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो है उनकी मिली भगत है ना चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्सअप पैनल फॉर एमजी जी नरेगा रीस्ट्रक्चरिंग सो महात्मा गांधी एन आर ई जी ए नरेगा जैसे हम बोलते हैं उसकी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठा दिया है कि भाई इसको रीस्ट्रक्चर करना है रीस्ट्रक्चर करने से पहले बहुत सारी स्टडी की जाएगी अभी किस तरह का डिमांड कितनी आ रही है एम जी नरेगा वर्क की एक्सपेंडिचर कितना सरकार की तरफ से हो रहा है स्टेट uh, में क्या क्या वेरिएशन चल रहे हैं अलग अलग जगह किस तरह का काम हो रहा है ये सारी स्टडी करके और ये जो पैनल है ये अपनी रिपोर्ट देगा इस पैनल को हेड कौन करेंगे अमरजीत सिन्हा ये इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पैनल गठित किया जाता है तो उसको हेड कौन कर रहा है ये पढ़ना जरूरी है सो so, अमरजीत सिन्हा फॉर्मर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और एडवाइजर रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के और वो इसको रूल कर हेड uh, कर रहे हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है एम नरेगा और ये स्टार्ट किया गया था 2005 में रूरल एरियाज में जो भी अनस्किल्ड अंस, वर्क होता है तो अनएम्प्लॉयड लोगों को सौ दिन पूरे साल में रोजगार देने के लिए गारंटी स्कीम लाई गई थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर्ड फॉर इंडियन मेट्रो ट्रेन इंडियन मेट्रो ट्रेन को के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पंजीकृत रजिस्टर कर लिया गया है किसकी तरफ से किन के नेम में रजिस्टर हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड महामेट्रो जिसे कहते हैं उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है क्यों भाई क्यों किया है तो आपको अगर ये पिक्चर में थोड़ा समझ में आए तो नीचे देखिए ये हाईवे है और उसके ऊपर ये मेट्रो चल रही है और ये सिंगल कॉलम ब्रिज के ऊपर बनाया गया है ये अचीवमेंट है जिससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है सो so, लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट और ये सिर्फ इतना सा नहीं है सबसे लंबा इस तरह का डबल वायाडक्ट वाला जो पूरा अरेंजमेंट है सिंगल कॉलम पे वो सबसे लंबा यहां किया गया है जिसमें हाईवे फ्लाईओवर है एंड मेट्रो रेल सपोर्टेड ऑन अ सिंगल कॉलम कहां है ये वर्धा रोड नागपुर महाराष्ट्र ये इस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्ट किया गया है ठीक है जी और एन के चेयरपर्सन रिवाइज हो चुके हैं संतोष कुमार यादव चलो साइक्लोन मंडोज ओवर बे ऑफ बंगाल आ गए साइक्लोन मंडोज जी किसने नाम दिया है इनको अभी देख लेते हैं और उससे पहले देख लो कि बे ऑफ बंगाल से शुरू होकर के साइक्लोन मंडोज और उसने लैंडफॉल किया तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले साइड पे सो आई यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि साइक्लोन मंडोज एक सिवियर साइक्लोनिक स्टॉम होने वाला है लैंडफॉल करेगा ये तमिलनाडु में और इसने बेसिकली तमिलनाडु और यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाले कोस्टल एरियाज के अंदर लैंडफॉल किया इसने इम्पैक्ट किया तमिलनाडु पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश को 10 से 11 दिसंबर के बीच में लैंडफॉल रहा मंडोज का मतलब होता है ट्रेजर बॉक्स अरेबिक लैंग्वेज में ट्रेजर बॉक्स अब तूफान क्या ट्रेजर लेके आते हैं समुद्र से ट्रेजर लेके आ रहा होगा सो नेम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यू ने दिया ये जो साइक्लोस होते हैं इनको अलग अलग देश नामकरण देते हैं तो यू ने दिया है ट्रेजर बॉक्स देखो तबाही में भी कुछ अच्छा हो रहा होगा एंड साइक्लोन uh, बनते हैं जब लो प्रेशर एरिया होता है और हाई प्रेशर से फटाफट से गशिंग आती हैं और ये कहाँ बना इस बार लो प्रेशर एरिया साउथ एंडमिन सी के अंदर फॉर्म हुआ था साइक्लोन मैंडोज तीसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन रहा जो कि बे ऑफ बंगाल के अंदर इस साल शुरू हुआ और उससे पहले साइक्लोन सितरंग सितरंग रहा और इसको नाम दिया किसने साइलैंड ने और साइक्लोन सितरंग ने बांग्लादेश के अंदर इंपैक्ट किया था और उससे पहले आसनी रहा था और इसको नामकरण किया था श्रीलंका ने सो so, कौन सा तूफान है और किसने नामकरण किया इंपॉर्टेंट है चलो यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ फानी फानी तूफान भी आया था इफ यू रिमेंबर फानी का नामकरण किसने किया था बताइएगा ठीक है और इसने लैंडफॉल कहाँ किया अगर ये भी बता दो तो, तो, तो अच्छी बात है <coughs> नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 ट्वेंटी टू इनाग्रेटेड इन गोवा तो बस इसमें इतनी सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि नाइन्थ वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहा कौन से स्टेट में हुआ तो गोवा के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया पणजी के अंदर इंपॉर्टेंस क्या रही भाई ये देखो नाम से समझ में आ रहा है वर्ल्ड आरोग्य आयुर्वेद कॉन्फ्रेंस है यानी आयुर्वेद आयुष मिनिस्ट्री के जो भी विंग्स होते हैं उनके फायदे वगैरह डिस्कस करने के लिए इसको किया गया तो शो आयुष सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन ग्लोबल लेवल पे उसके सिस्टम्स के बेनिफिट बताए गए और अगर हम आयुष की बात करें दैट इज आयुर्वेद योग नेचुरोपैथी यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सो कंट्री हमारा जो मार्केट साइज है वो 2014 में तीन बिलियन का था और आज ये बढ़कर के 18 बिलियन का है ये मार्केट बहुत ज्यादा ग्रो कर गया है एवरीबडी इज ट्राइंग टू गो बैक टू द नेचुरल वेज ऑफ हीलिंग चलिए पीएम मोदी नॉव द फर्स्ट फेज ऑफ नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे समृद्धि एक्सप्रेस वे से अगर सवाल आएगा तो समृद्धि एक्सप्रेस वे किसको किससे जोड़ता है फर्स्ट फेज अगर हुआ है तो वो किसने किस से जोड़ा और आ, कहां पर है यही बातें आनी है सो फर्स्ट फेज जो पूरा हुआ है समृद्धि एक्सप्रेस वे का वो नागपुर को अहमद नगर डिस्ट्रिक्ट जो कि शिरडी भी है जहां पे उनको कनेक्ट कर रहा है और फिर फाइव ट्वेंटी किलोमीटर का इन्होंने पूरा डिस्टेंस कवर किया है समृद्धि एक्सप्रेस वे का प्रॉपर नेम जो है ऑफिशियल नेम हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग ये पूरा इसका फुल नेम है और फिफ्टी फाइव थाउजेंड की, क्रोर, आ, क्रोर की लागत से बनना है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है जो कि पास करेगा टेन महाराष्ट्र है ठीक है चलिए नेक्स्ट जो पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ आनी है वो 701 किलोमीटर आनी है और ट्रैवल टाइम नागपुर से मुंबई सात घंटे से रिड्यूस हो जाएगा विच इज कमेंडेबल नेक्स्ट न्यूज गवर्नमेंट टेंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम पीएम स्वनिधि स्कीम स्वनिधि जो की रोड वेंडर्स जो होते हैं छोटे छोटे हेले और छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं उनको लोन देने के लिए स्कीम होती है और उसका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है टिल दिसंबर 2024 लेंडिंग पीरियड जो है यानी लोन देने का जो समय है वो दिसंबर uh, 2024 तक इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है जब इसको लाया गया था सबसे पहले जून एक 2020 के अंदर लाया गया था तब 10,000 तक का लोन दिया जाता था ठीक है आप 10,000 तक का लोन लो अब ये हो गया टेन का एक किसी वेंडर ने लोन लिया चुका दिया तो अब उसको ट्वेंटी का लोन मिल जाएगा वो लिया चुका दिया तो अब एक तीसरा और स्टेज uh, डाल दिया गया है अपटू फिफ्टी थाउजेंड का एडिशनल लोन आपको मिल सकता है थर्ड लोन भी मिल सकता है ठीक है सो फाइनेंशियल सपोर्ट स्मॉल शॉपकीपर्स और हॉकर्स के लिए ये है पीएम एम स्वनिधि योजना एक स्माइल योजना भी होती है स्माइल इनिशिएटिव या स्माइल स्कीम ये किन के लिए होती है पढ़ा चुके ट्राई कीजिए आंसर करने का ठीक है जी तो ये इतनी सी बात है आई होप दिमाग में आ गई है आगे चलते हैं जोनल कल्चरल सेंटर्स अब जोनल कल्चरल सेंटर्स या क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है वो न्यूज में आए जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने किसी एड्रेस में इसका मेंशन किया और इसलिए जोनल कल, कल्चरल सेंटर्स क्या होते हैं मैं फटाफट से पढ़ा देती हूँ थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा जोनल कल्चरल सेंटर्स का जो एस्टैब्लिशमेंट है कि ऐसे कुछ केंद्र बनने चाहिए जो कल्चरल हब्स हों और कल्चर को आगे बढ़ाएं अलग अलग जोन्स में उसकी शुरुआत की थी राजीव गांधी जी ने नाइनटीन uh, एटी के अंदर ठीक है फिर ये जो कंसेप्ट था ये बढ़ करके हमारे टोटल कितने जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं सेवन का जोनल कल्चरल सेंटर्स है हमारे हाउ मेनी सेवन और ये सेवेंथ फाइव ईयर प्लान के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि सात जोनल कल्चरल सेंटर्स बनने कौन कौन से हैं वो फटाफट से देखिए नॉर्थ जोन के अंदर पटियाला है फिर कोलकाता है ईस्टर्न जोन के अंदर साउथ जोन के अंदर थंजवूर है और वेस्ट जोन के अंदर उदयपुर है ये तो चार हो गए उसके अलावा नॉर्थ सेंट्रल जोन के अंदर प्रयागराज यूपी के अंदर आ गया नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर दीमापुर असम के अंदर और नॉर्थ सॉरी साउथ सेंट्रल जोन के अंदर नागपुर आ गया ठीक है तो ये सेवन हमारे कल्चरल जोनस हो गए तो इस सातों के नाम आप ध्यान रखेंगे इनका काम क्या होता है अपने अपने जोन के जो कल्चर हैं उनसे रिलेटेड ये कुछ ना कुछ आ, इवेंट करवाते रहते हैं ताकि उन कल्चर को बढ़ावा मिल सके कंजर्व एंड डेवलप आर्ट कल्चर एंड क्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री और मिनिमम 42 रीजनल फेस्टिवल्स करवाने होते हैं जोनल कल्चरल सेंटर्स को पूरे साल के अंदर ठीक है चलिए आगे टूरिज्म मिनिस्टर डेडिकेट्स फोर प्रोजेक्ट इन पुडुचेरी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 पॉइंट जीरो स्वदेश दर्शन स्कीम टू के तहत पुडुचेरी में चार प्रोजेक्ट और टूरिज्म ने शुरू करने की घोषणा की है यह 100 परसेंट स्वदेश दर्शन स्कीम जो है उसके तहत जो भी डेवलपमेंट होता है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और टूरिस्ट प्लेस को डेवलप करने के लिए होता है हंड्रेड परसेंट ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है अब ये समझिए टू पॉइंट जीरो से क्या बदलाव आएगा स्वदेश दर्शन स्कीम जब लॉन्च की गई थी 2014-15 में तो थीम बेस्ड टूरिज्म टूरिस्ट सर्किट्स को डेवलप करने की बात की गई थी यानी कि थीम से जुड़े हुए जैसे कि हम बोलें बुद्धिस्ट सर्किट हो गया कोस्टल सर्किट हो गया जिसमें कोस्टल एरियाज के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा डेजर्ट सर्किट हो गया फिर रूरल सर्किट हो गया रूरल एरियाज स्पिरिचुअल सर्किट हो गया और तीर्थ से रिलेटेड तीर्थंकर सर्किट हो गया तो एक थीम से जुड़े हुए सर्किट्स को डेवलप किया जा रहा था यानी उस एरियाज को उन एरियाज को जो उस थीम में मैच करते हैं उनको डेवलप करने की उनके टूरिज्म को बढ़ावा करने की बात थी इसमें आ, हमारे स्वदेश दर्शन स्कीम ओरिजिनल जो थी अब जब हम 2.0 स्कीम की बात कर रहे हैं इस स्कीम के अंदर हमारा फोकस थीम बेस्ड से बढ़ करके किस पे आ गया है फोकस ऑन रिवाइविंग डेस्टिनेशन टूरिज्म कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को डेवलप किया जाए ताकि सीधे इंसान उस पे आए हम सर्किट्स की बात नहीं करेंगे थीम बेस्ड सर्किट्स की तो ये एक बस डिफरेंस है बाकी बात वही है कि आप अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग एरियाज को डेवलप कीजिए इसका फर्स्ट फेज जनवरी ट्वेंटी में शुरू होना है नेक्स्ट हम आते हैं एरो इंडिया ट्वेंटी थ्री टू बी हेल्ड फ्रॉम थर्टीन टू सेवेंटीन फेब्रवरी इन बेंगलुरु एरो एरो इंडिया इंडिया एशिया का लार्जेस्ट एरो शो है सो so, जो भी एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं उनका शो किया जाता है और ये कहाँ पर हुआ बस ये ध्यान रखिएगा बेंगलुरु में येलहांका फोर्स स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर ये हुआ तेरा हुआ तो क्या होगा सॉरी होगा थर्टीन टू सेवनटीन फेब्रवरी ओके एंड uh, हर साल ये फेबररी मंथ में ही होता है 1996 से इसकी शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड एरोनॉटिक लिमिटेड इसको ऑर्गेनाइज करवाता है और इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज़ थी डिफेंस एक्सपो है ना डिफेंस की जितनी भी मशीनरी आर्टिलरी वगैरह जो भी कुछ थी वो उसमें एग्जीबिशन uh, में लगाई गई थी वो गांधीनगर के अंदर हुआ था अक्टूबर 2022 में और ये एरो शो है जो बेंगलुरु में फेबररी के अंदर होना है चलिए ज वन मुंबई धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विथ रुपीज फाइव थाउजेंड सिक्सटी नाइन करोर बिड मुंबई का जो धारावी स्लम एरिया है उसके रीडेवलपमेंट का एक पूरा प्रोजेक्ट है और उसके लिए बिड लगाई जाती है, है ना और वो बिड किसने जीत ली वो जीत ली है अडानी साहब अडानी ग्रुप ने और अब ये धारावी का रीडेवलपमेंट करेंगे और वहाँ पे बड़े बड़े स्काईस्क्रेपर्स बनाए जाएंगे बिकॉज जो धारावी है वो बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो कि बिल्कुल रिचेस्ट बिजनेस एरिया है ना उसके पास में बहुत बड़ा स्लम पड़ता है एशियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्लम्स ये है तो उसको पूरा उसकी काया पलट करके वहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल एरिया में कन्वर्ट करना और उसके लिए जरूरी है कि जो लोग हैं उनको री करना होगा और उनकी जो आमदनी है और जो उनके घर है उनको वापस से डेवलप करके देने होंगे ये जो प्रोजेक्ट था ये विजन किया था 1999 में बीजेपी सेना गवर्नमेंट ने कि धारावी को हम वापस से पूरा रीडेवलप करेंगे फिर टू थाउजेंड थ्री फोर के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डेडिकेट किया रीडेवलप करना एज एन इंटीग्रेटेड प्लैंड टाउनशिप और फिर इसको अप्रूव किया गया था और अब इसके ऊपर बिडिंग पूरी हुई है ठीक है चलिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 सवाल बनेगा तो सीधा बनेगा कहाँ हुआ सो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन भोपाल 21 से 24 जनवरी के बीच में ये होना है एट्थ एडिशन ये है सबसे पहला ये दिल्ली में 2015 के अंदर हुआ था और इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन एसोसिएशन विद विज्ञान भवन भारती नॉट भवन ये जो लिखा जाता है ना विज्ञान ये आप पढ़ते होंगे ऐसे इसको विज्ञान बोलते हैं ना इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है सो so, विज्ञान भारती के साथ में ये है और साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमैटिक्स जो स्टेम स्टेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वो कैसे हमारे डे टू डे सोल्यूशन और लाइफ को सिंपल बना सकते हैं उससे रिलेटेड ये पूरा फेस्ट होता है अनदर इंपॉर्टेंट पीस ऑफ न्यूज प्रेजिडेंट अप्रूव न्यू डिजाइन ऑफ प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट यानी कि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति के मानक और रंग और भारतीय नौसेना क्रेस्ट के नए डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है नेवल अन्सैम्बल भी हमारा रीडिजाइन हुआ था यानी कि यानी कि ये नेवल डिजाइन जो हमारी थी है ना न्यू नेवल जो एनसाइन होता है पहले इस तरह का था वो चेंज होकर के ये हुआ अब इसी नए ने, नेवल एनसाइन को लेकर के प्रेसिडेंट कलर ऑफ स्टैंडर्ड को भी रिडिजाइन किया गया है हमारे पुराने नेवल एनसाइन के अंदर ये क्रॉस होता था जो ब्रिटेन के झंडे से लिया गया था और यहाँ पे हमारा फ्लैग होता था और बीच में ये आ, हमारी जो स्टैंप है वो लगाई जाती थी ठीक है और सेकेंड सेप्टेम्बर ट्वेंटी को नया वाला आ गया जिसके अंदर ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है इसको हटा दी गई तिरंगे को रखा गया उसके साथ में ये ऑक्टागन राइट right, रखा गया डबल लाइन वाला गोल्डन लाइंस वाला उसके बीच में हमारा ये एम्बलम आ गया एंकर आ गया नीचे आ, जो वरुणा वाला कोट है वो आ गया और यहाँ पे सत्यमेव जयते आ गया ये सारी बात हमने पहले भी कर ली थी एंकर वगैरह सो so, इसी डिज़ाइन को लेते हुए अब आप ये देखिए ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड प्रेसिडेंट कलर्स को रे डिज़ाइन किया गया है ये सेम पॉइंट है ये थोड़ा साउथ में डाल दिया गया और यहाँ टॉप राइट कॉर्नर के अंदर हमारा जो एम्बलम है वो डाल दिया गया इसको अब पढ़ लेंगे हम प्रेजिडेंट ने अप्रूव किया और अनवील किया विशाखापट्टनम में नेवी डे जो कि फोर्थ ऑफ डिसम्बर को आता है प्रेजिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर एंड इंडियन नेवी क्रेस्ट अब इसकी जो डिटेल है वो हम यहाँ देखते हैं प्रेसिडेंट कलर्स और स्टैंडर्ड जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ द फोर्स को दिए जाते हैं नई डिजाइन के अंदर जो मेन हैं कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो देख लीजिए ये पुरानी डिजाइन थी देखिए ये हमारा पूरा नेवल इंसाइन था और उसमें इधर बॉटम राइट कॉर्नर के अंदर एलिफेंट होता था स्टैंडर्ड और कलर्स के अंदर प्रेजिडेंट स्टैंडर्ड्स और कलर में तो ये ओल्ड वाला हो गया अब इसकी जगह ये न्यू वाला आ गया जिसमें तिरंगा आ गया इधर हमारा जो पूरा इंसान है वो आ गया और यहाँ पे हमारी मोहर आ गई सो so, इसमें नेशनल फ्लैग ऑन अपर लेफ्ट कैंटन एडजस्टिंग टू द स्टाफ द स्टेट एम्बलम ये रहा जिसके नीचे सत्य में जयते आ जाता है इन गोल्डन कलर अपर राइट कैंटन ऑन द फ्लाई साइड और नेवी ब्लू गोल्ड ऑक्टोगन बिलो द गोल्डन ये हमारा ऑक्टेगन आ गया तो ये नई डिजाइन आपको ध्यान में रखनी है अगर आपको नेवल इंसाइन पता है तो उसी से रिलेटेड हो जानी है ठीक है ऑक्टेगन की भी अंदर हम बात करें तो जो नेवल इंसाइन के अंदर था ट्विन गोल्डन ऑक्टेगन बॉर्डर्स हैं जिसमें गोल्डन नेशनल एम्बलम है जिसपे सत्यमेव जयते लिखा है ब्लू देवनागरी स्क्रिप्ट में और उसके ऊपर एंकर है सुपर इंपोस्ड ऑन अ शील्ड और शील्ड के नीचे अगर आप देखेंगे तो विद इन दी दिन गोल्डन बॉर्डर रिबन है नेवल ब्लू बैकग्राउंड है और उस पर लिखा हुआ है सामनो वर्णा जो कि मोटो है इंडियन नेवी का तो सेम नेवल में जो हमने देखा था यहां पे आप देखिएगा ओके okay, जो हमने देखा था ये सेम चीज और ये सेम चीज लेकर के डाल दी गई है वहां पे एडिशनली एक क्या आ गया हमारा स्टेट एम्बल ऐड हो गया किसमें प्रेसिडेंट्स कलर और स्टैंडर्ड में दैट इज ऑल चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं जल शक्ति मिनिस्टर इनोग्रेट से आई डब्ल्यू आई एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू अभी क्या आई डब्ल्यू आई एस और कहाँ पे हुआ ये इनगरेट तो वो सब देख लेते हैं जल शक्ति मंत्री ने सातवें भारत आई डब्ल्यू आई एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू का उद्घाटन किया इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये होता है आई डब्ल्यू आई एस इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट समिट जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी नई दिल्ली के अंदर 15 दिसंबर को इसको इनागरेट किया गया इसकी थीम रही रिस्टोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल रिवर्स इन अ लार्ज बेसन तो स्मॉल स्मॉल रिवर्स को रिस्टोर करने के लिए कंजर्व करने के लिए ये समिट थीम रखी गई और पांच पीज पे फोकस रखा गया पीपल पॉलिसी प्लान प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट इन पांचों को मिलाकर के ही ये अचीव किया जा सकता है फिफ्थ एडिशन ऑफ यूथ को लैब फॉर यंग ऑन्ट्रप्रनर्स कहाँ हुआ यही बात होगी तो यूथ को लैब यंग ऑन्ट्रप्रेनियोर्स के लिए उसका फिफ्थ एडिशन ये एशिया पैसिफिक का लार्जेस्ट यूथ इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसमें कि यूथ ऑन्टरप्रेनियोर्स वगैरह आते हैं उनके आइडियाज़ को जगलमगल किया जाता है और वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी सामने आती हैं यूथ को लैब्स जो हैं ये लॉन्च की गई थी टू के अंदर यू इंडिया इन पार्टनरशिप विथ एम अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के ठीक है तो ये फिफ्थ एडिशन यूथ कोलैब का रखा गया <coughs> जॉइंटली इसको लॉन्च किया अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और पी इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना उसमें इंडियन ऑन्ट्रप्रन यंग ब्लड कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उससे रिलेटेड ये सारा डिस्कशन इसमें होता है फिर हम आ जाते हैं प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम पीएम के के को रीनेम कर दिया गया है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम तो पीएम एम के 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 का नया नाम हो जाएगा पीएम विकास ये स्मृति जुबीन रानी जी ने इन्फॉर्म किया जो कि मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी हैं और uh, इस पीएम विकास के अंदर छोटी छोटी पांच स्कीम्स को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है इट इज़ एन एमेलगमेशन ऑफ फाइव अर्लियर स्कीम जो पहले चलती थी अब उन सबको इस एक में डाल दिया गया है सीखो और कमाओ उस्ताद हमारी धरोहर नई रोशनी और नई मंजिल ये पांच स्कीम्स छोटी छोटी इसी पीएम विकास के अंदर में शामिल हो गई हैं और इसको फिफ्टीन फिनंस कमीशन के कार्यकाल के लिए पूरा अप्रूव कर दिया गया यानी इक्कीस बाईस से पच्चीस छब्बीस तक का पीएम विकास का मेन एम है माइनॉरिटीज जो हैं स्पेशली जो आर्टिजन कम्युनिटी हैं जो कारीगर लोग होते हैं उनको आ, उनको उनकी लाइवलीहुड यानी उनके रोजगार के अवसरों को और इंप्रूव करना उनका स्किल डेवलपमेंट करना उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना पार्लियामेंट पासिस एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल ट्वेंटी सो एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2022 पार्लियामेंट ने पास कर दिया है और इसके तहत एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का जो था उसके अंदर अमेंडमेंट देखा जा रहा है एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन की तरफ बढ़ाने के लिए रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ लाने के लिए सो so ये बिल एम्पावर करता है सेंटर को स्पेसिफाई कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम कार्बन क्रेडिट्स अगर आपने कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट्स और ट्रेडिंग स्कीम पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको आप ट्रेड कर सकते हो पर यह कैसे कर सकते हो क्या इसके इन्ज एंड आउट्स एंड फर्दर डेप्थ में पॉइंट्स हैं उनको अभी बहुत ज़्यादा ये बिल क्लैरिटी नहीं देता है उनके ऊपर ये बिल टेबल किया पावर मिनिस्ट्री ने पर इसमें हाँ ये चीज़ ज़रूर बोली गई है कि कार्बन मार्केट डेवलप हो जाएगा इससे और कार्बन ट्रेडिंग पॉइंट्स आप आ, कर सकते हो सो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज एनहांस करने के लिए फिर कार्बन मार्केट डेवलप हो सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जी का कुछ शेयर हर एक इंडस्ट्री को मिनिमम डिफाइन किया गया है कि आपकी तरफ से इतना तो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ से काम होना चाहिए तो इस तरह के कुछ एक पॉइंट्स और इसमें बताए गए हैं इंसेंटिवाइज करेंगे एफर्ट्स को जो कि कार्बन सेविंग सर्टिफिकेट के थ्रू अगर आपने कार्बन फुटप्रिंट नहीं प्रोड्यूस uh, किए बहुत ज़्यादा तो कार्बन सर्टिफिक सेविंग सर्टिफिकेट्स आपको दिए जाएंगे इंक्लूजन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन स्टैंडर्ड्स व्हीकल और वेसल्स एनर्जी कंजर्वेशन कंजम्पशन कम से कम हो सो so, ये अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर आनी बची है बट ये एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल दो हजार बाईस पास हुआ है जिसके तहत एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि सेंटर कार्बन ट्रेडिंग क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम ला सकता है ओके स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी एन टीज डी नोटिफाइड ट्राइब्स सीड सीड स्कीम वापस से न्यूज में देखी गई हालांकि ये पुराना आ, एक प्रोजेक्ट है लेकिन इसको वापस से न्यूज में देखा गया तो फटाफट से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी एन टीज इको एम्पावरमेंट करना डी नोटिफाइड ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है ब्रिटिश टाइम में कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जिनको चोरी चकारी के लिए नोटिफाई कर दिया गया था कि ये जो ट्राइब्स हैं ये नोटिफाई कर दी गई है यहीं से अधिकतर बदमाश लोग आते हैं यहीं से अधिकतर चोर लोग आते हैं तो उनको बहुत से अधिकार नहीं दिए गए थे फिर जब हम आजाद हुए तो डी नोटिफाई हमने इनको किया

पार्लियामेंट पैनल ने उनको खींचा है कि आपका वर्क बहुत स्लो जा रहा है ये न्यूज़ थी जिसके अंदर डी और ये सीड वापस से देखी गई अब सीड क्या है सीड का जो मेन काम है सोशल एम्पावरमेंट करना है यानी एजुकेशन देनी चाहिए उनको रोजगार के अवसर मिले उनको हाउसिंग असिस्टेंस मिले उनको हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिले तो ये सारे सीड के तहत मिलने हैं इंश्योर करता है टू हंड्रेड करोड़ फाइव ईयर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू से शुरू होकर पाँच साल तक टू हंड्रेड करोड़ का एक्सपेंडिचर डीएन सीड के ऊपर किया जाना है अब आ, ये जो डी डब्ल्यू बी डी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हैं उनको टास्क दिया गया है इस स्कीम इंप्लीमेंटेशन का और ये जो डी डब्ल्यू बी डी एनसी है ये 21 फरवरी 2019 को बनाए गए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीकू राम जी इदाते ठीक है जी तो ये जो बॉडी है ये इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करेगी सीड स्कीम का ना डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब क्या हैं फटाफट से देख लीजिए ये मोस्ट वल्नरेबल और डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं हमारे पूरी सोसाइटी की इनको नोटिफाई किया गया था ब्रिटिश रजीम में एज बॉर्न क्रिमिनल्स जन्मजात क्रिमिनल्स हैं साहब ये ठीक है और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1890 uh, 1871 के तहत फिर इनको रिपील किया गया था इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने 1952 में और इसलिए इनको डी नोटिफाई कहा जाता है जैसे मैंने आपको समझाया इनके पास कभी भी अपना खुद का जमीन नहीं रही लैंड ओनरशिप नहीं रही दे वर रियली रिप्राइड चलिए फिर हम आते हैं एस आई एस 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 आई एस एफ एस यानी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ये स्कीम भी पुरानी है लेकिन अगेन ये न्यूज में बनी तो जो भी ऐसी स्कीम्स हैं जो या तो नई सामने आई हैं या फिर पुरानी है पर न्यूज में दोबारा आई हैं आपको पढ़नी होंगी सो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम नाम से समझ में आ रहा है सीड फंडिंग दी जाएगी यानी सीड क्या होती है किसी चीज़ को शुरू करती है तो सीड फंडिंग क्या करेगी किसी प्रोजेक्ट को या किसी आ, बड़े काम को शुरू करने के लिए जो पैसा डलता है सो इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से एस आई एस एफ एस एग्जिस्टेंस में है नाइन फोर्टी फाइव करोर का कॉर्पस है चार साल के लिए ये इंप्लीमेंट uh, की गई थी ठीक है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी भाई सीड फंडिंग है तो कॉमर्शल इंडस्ट्री के अंडर में आएगी एम है फाइनेंशियल असिस्टेंस देना स्टार्टअप्स को जो हमने बोला सीड फंडिंग से रिलेटेड हो जाएगा ये भी देन असिस्टेंस uh, अलग अलग लेवल पे दिया जाएगा सो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कुछ राशि दी जाएगी जब आपका प्रूफ हो जाएगा कुछ राशि दी जाएगी आप मार्केट करने जा रहे होगे उससे पहले कुछ राशि दी जाएगी अभी हम उसको देखेंगे उससे पहले देख लीजिए इंप्लीमेंटेशन किसके अंडर में आता है सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डी जो है उन्होंने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी स्कीम के इंप्लीमेंटेशन के लिए ना इस इंप्लीमेंटेशन के तहत अप टू फाइव करोर का ग्रांट दिया जाएगा जैसे ही आप एलिजिबल हो जाते हो इंक्यूबेटर आपका सिलेक्ट हो जाता है कि ठीक है भैया यू आर शॉर्टलिस्टेड सिलेक्टेड उसके बाद अप टू ट्वेंटी लाख आपको दिए जाते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोडक्ट ट्रायल्स इन सब चीज़ों के लिए कि आप अपना प्रोडक्ट वगैरह सब बना लो टेस्ट ट्रायल कर लो फिर आपको अप टू फिफ्टी लाख दिए जाते हैं मार्केट एंट्री के लिए कि भैया आप मार्केट में कैसे पेनिट्रेड करोगे ये सारी चीज़ों के लिए ठीक है सो बेसिकली इसका काम है एक रोबोट स्टार्टअप इको बनाना पर्टिकुलरली टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज के अंदर जो सबसे हाइस्ट डेवलप्ड सिटीज है वो नहीं टीयर टू और टीयर थ्री सिटीज़ में इको Uh, जो स्टार्टअप इको सिस्टम है उसको और बढ़ावा देने के लिए एस आई एस एस एफ एस स्कीम है नेक्स्ट हम आते हैं इंडिया लॉन्चेस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स सो ब्लू हेलमेट ये जो आप देख रहे हो ना पिक्चर में ब्लू हेलमेट्स ब्लू हेलमेट्स होते हैं जो कि एक तरह से आर्म्ड फोर्सेस हैं यूएन की साइड से यूनाइटेड नेशंस की साइड से ये अलग अलग देशों में जाकर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग करता है है ना शांति बनाए रखने के लिए अपनी फोर्स वगैरह लगाता है तो इन फोर्सेस के ऊपर कई बार अटैक हो जाते हैं तो इंडिया ने लॉन्च किया है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो कि अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि जो भी क्राइम्स होते हैं यूएन पीस कीपर्स के ऊपर ये ना हो और इनका प्रॉपर डेटा मेंटेन रहे ताकि उन कंट्रीज और उन अटैक्स के बारे में प्रॉपर जानकारी रहे फ्यूचर में एक्शन लिए जा सके ठीक है इतना सा है तो इसमें एक पॉलिटिकल बिल सामने आती है के वो जो स्टेट स्टेट्स यानी मेंबर स्टेट्स यानी कंट्रीज यहाँ स्टेट्स का मतलब कंट्रीज है पर्टिकुलरली ट्रूप और जो अपनी मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं पुलिस कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनके ऊपर उनको प्रोटेक्ट करना यूनाइटेड नेशन मिशन पर्सनल जो भी लोग भेजे जाते हैं अलग अलग देशों में पीस कीपिंग के लिए उन लोगों को प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट अटैक और उनका ऑनलाइन डेटाबेस मेंटेन करके रखना है राइट और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी उन्होंने अनाउंस किया नई दिल्ली के अंदर कि यहाँ पे हम एक डेटाबेस रखेंगे जिसमें जितने भी क्राइम होते हैं ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट अब ये ब्लू हेलमेट क्या है मैंने आपको बता दिया यूएन मिलिट्री पर्सनल जो है ब्लू हेलमेट पहनते हैं और इसलिए उनको ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है तो इनके अगेंस्ट जो भी क्राइम होंगे उनकी रजिस्टरिंग रहेगी कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में शामिल है इंडिया तो है ही बांग्लादेश इजिप्ट फ्रांस मोरक्को नेपाल ये सब को चेयर्स रहे ठीक है

टेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं पीएम मोदी टू इनग्रेट एनर्जी वीक इन विच सिटी इन फरवरी 2023 फरवरी 2023 में एनर्जी वीक का इनॉग्रेशन पीएम मोदी कहां करेंगे बैगलोर के अंदर करेंगे बस इतना सा ध्यान रखना है इसमें और कोई बात नहीं है चलिए जब होगा तब की तब देखेंगे लॉन्च द प्रशासन गांव की ओर कैंपेन अंदर गुड गवर्नेंस वीक 2022 ट्वेंटी टू सेलिब्रेशन सुशासन सप्ताह समारोह के तहत प्रशासन गांव की ओर अभियान किसने शुरू किया सो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी शुरुआत की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उस दिन गुड गवर्नेस डे मनाया जाता है और उसी दिन सुशासन वीक एंड हुआ उन्नीस से पच्चीस डिसंबर नाइनटी टू ट्वेंटी फाइव तक ये पूरा वीक रहा और इस दौरान एक कैंपेन चलाया गया प्रशासन गांव की ओर यानी गांव की तरफ जाए और वहां का गवर्नेंस अच्छा होगा तो ऊपर के लेवल्स का भी गवर्नेंस इंप्रूव किया जा सकता है बस इसमें ये बात रही इंडियन ऑयल ऑयल कॉर्पोरेशन हैज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ यानी कि इंडियन कॉर्पोरेशन ने किस ल्यूब्रिकेंट की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में हाथ मिलाया है आंसर इज फ्यूल बडी फ्यूल बडी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आईओसीएल जो सॉरी इंडियन ऑयल जो है आईओसीएल भी बोल सकते हो आईओसीएल इंडियन ऑयल जो है उसने पार्टनर किया है फ्यूल बडी के साथ में फ्यूल बडी ऑनलाइन जैसे हम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वगैरह से सामान मंगाते हैं मिंत्रा से मंगाते हैं जो भी कोई साइट्स होती है ई कॉमर्स साइट तो इसी तरह से फ्यूल बडी पे ऑर्डर प्लेस किए जा सकते हैं और आई का जो लिब्रिकेंट है पर्टिकुलरली सर्वो उसकी होम डिलीवरी होगी अगेन इतनी सी बात है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कहीं पर और कहीं पर बहुत डिस्क्रिप्शन हमें समझना है चीज़ों का इंडिया श्रीलंका टू स्टार्ट पैसेंजर फेरी सर्विसेज कौन सा देश है जिसके साथ इंडिया बहुत जल्दी पैसेंजर फेरी सर्विसेज शुरू करेगा श्रीलंका के साथ करेगा श्रीलंका का जाफना आइलैंड है और पुडुचेरी है उनके बीच में आ, ये जो फेरी सर्विसेज हैं बहुत जल्दी शुरू की जाएंगी बस जिससे क्या होगा टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा दोनों देशों के रिश्तों को बढ़ावा मिलेगा चलिए पीएम मोदी टू इनाग्रेट नेशनल यूथ फेस्टिवल इन हुबली धारवाड इन ऑन जनवरी ट्वेल्व सो so, हुबली धारवाड़ में 12 जनवरी को इनाग्रेट करेंगे नेशनल यूथ फेस्टिवल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हुबली और धारवाड़ है वो ट्विन सिटीज माने जाते हैं कर्नाटका के कहाँ कर्नाटका के और यूथ फेस्टिवल कब होगा देखो 12 जनवरी 12 जनवरी यूथ यानी स्वा, स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी से कोमोबरेट करता हुआ ये है नेक्स्ट इंडिया फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्ता लॉन्च किया गया पहला ग्रीन स्टील ग्रीन स्टील क्या होता है जिसको बनाने में कोयले का या फिर आ, कोई भी नॉन रूनिएबल सोर्सेज जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता ये आ, ग्रीन मेथड से बनाई जाती है हरी नहीं होती है लेकिन इको फ्रेंडली मेथड से बनाई जाती है लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन कोल का गैसिफिकेशन किया जाता है ताकि आ, सूट और धुआं वगैरह प्रोड्यूस ना हो या इलेक्ट्रिसिटी से इसको बनाया जाता है ठीक है तो ग्रीन स्टील का पहला इंडिया का ब्रांड कौन सा हो जाता है कल्याणी फेरेस्ता और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको लॉन्च किया नई दिल्ली के अंदर और ये जो कल्याणी ग्रुप है उसका एक आ, ये फर्स्ट ऑफ अ काइंड स्टील है जो पुणे बेस्ड कंपनी है कल्याणी ग्रुप की उसने बनाया है जो इसकी स्टील कंपनी है वो पुणे बेस्ड है ओके और अगर पूरी दुनिया में बात करें कि कौन सा देश है जिसने पहला ग्रीन स्टील बनाया था स्वीडन इंडिया का पहला ग्रीन स्टील बना रहा है कल्याणी फेस्ता बना है कल्याणी फेरेस्ता लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले स्वीडन ने ग्रीन स्टील प्रोड्यूस किया था देन <coughs> uh, अगर हम फर्दर बात करें स्टार्ट पे जाएं तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है स्टील चाइना प्रोड्यूस करता है और लेकिन वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो जहां वर्ल्ड का स्टील सेवन परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है हमारा जो स्टील है वो बारह परसेंट तक एमिशंस करता है और इसलिए ग्रीन स्टील की तरफ जाना एक अच्छा कदम होगा स्पेशली जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सत्रह उनमें से एक है कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना उसमें हेल्प करेगा सो so, हमारी जो नेशनल स्टील पॉलिसी है 2017 की उसमें हमने एनविसेज किया यानी हमने एक टारगेट लिया है सोचा है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको हमें डबल करना है 2030 तक स्टील का उत्पादन हमारा प्रोडक्शन डबल हो जाना चाहिए और कल्याणी स्टील की अगर हम बात करें तो थ्री बिलियन डॉलर कल्याणी ग्रुप का ये पार्ट है नाइनटीन के अंदर बना था कहाँ बेस्ड है पुणे बेस्ड है मेरी टाइम एंटी पायरेसी बिल 2019 पास्ड इन राज्यसभा मेरी टाइम एंटी पायरेसी बिल हमारा खुद का एक एंटी पायरेसी बिल है अब और ये एक्ट है जिसके तहत हम जो भी इलीगल पायरेसी पायरेसी इलीगली होती है डकैती समुद्री डकैती जो होती है उससे निपट सकते हैं न सिर्फ हमारे न सिर्फ हमारे टेरिटोरियल सी में या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बल्कि जो हाई सीज होते हैं यानी बियॉन्ड ई जेड वहाँ भी अगर पायरेसी चल रही है तो हम उससे सीधे सीधे कॉम्बैट कर सकते हैं ये जो बिल है ये हमें इतना स्ट्रेंथन करता है सो so, बिल एक इफेक्टिव लेजिस लीगल इंस्ट्रूमेंट इंडिया को दे रहा है कि हम मेरीटाइम पायरेसी को ना सिर्फ इंडिया के टेरिटोरियल वाटर अब ये समझिएगा अगर ये हमारी बेस है ये हमारा लैंड है ठीक है ये कोस्ट है तो कोस्ट से बारह नोटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल सी होती है ठीक है और उसके आगे अगर आप जाओगे तो टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक ई होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहाँ पे हम बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं तेल वेल निकाल सकते हैं आ, फिशिंग कर सकते हैं एट्सेट्रा और इससे आगे इस ई से आगे होते हैं हाई सीज तो ये मेरी जो एंटी पायरेसी बिल है ये कहाँ तक हमें एक्शन लेने के लिए ओके okay करता है हाई सीज में भी आप एक्शन ले सकते हो ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं ई जेड क्या होता है वैसे मैंने आपको समझाते एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है वो अनक्लॉस इसको आइडेंटिफाई करता है अनक्लॉस क्या है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी हर एक कंट्री का अपना एक ई जेड होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो अगर ये हमारा कोस्ट है तो ये पहले हमारे आगे टेरिटोरियल वाटर फिर हमारा आ गया ईजेड और उसके आगे जो पानी होता है उसको हाई सी कहते हैं और यहाँ पे सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं जैसे कि मरीन रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ऑयल नेचुरल गैस फिशिंग कर सकते हो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो विंड मिल और यू नो वाटर एनर्जी से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना ये सारे काम यहाँ पे किए जा सकते हैं हमारे साथ बहुत अच्छी बात है एंटी पारेबिल हमें बहुत दूर दूर तक और ई हमें बहुत दूर दूर तक मदद करता है बिकॉज हमारी कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है अप्रॉक्सिमेटली सेवेंटी फाइव हंड्रेड किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और हमारा जो ई है इसी के चलते हमारा मोर देन टू मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का ईई है जिसको हम इनकैश कर सकते हैं नेक्स्ट टेंथ एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली सो so, नई दिल्ली में टेंथ एडिशन हुआ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का ये बात आपको ध्यान रखनी है नारायण तातू राणे जो हैं उन्होंने इसको इनाग्रेट किया जो कि एम एस एम ई मिनिस्टर भी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो भी डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन होते हैं नॉर्थ ईस्ट के वो सामने फोरफ्रंट पर लाए जा सके सबसे पहले 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था और इसी के दौरान एक बुकलेट भी लॉन्च की गई नो योर नॉर्थ ईस्ट ये किसने रिलीज की ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने पीयूष गोयल राइट टू रिपेयर पोर्टल फॉर कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है पीयूष गोयल जी ने किया है कंज्यूमर अफेयर्स और फूड मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल इसके तहत इस पोर्टल पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होंगी उनको आकर के प्रोडक्ट की सारी डिटेल देनी पड़ेगी ताकि अगर जो कंज्यूमर है वो खुद चाहे उसको ठीक करना रिपेयर करना कभी प्रोडक्ट खराब हो जाए या फिर किसी थर्ड पार्टी से करवाना तो उस प्रोडक्ट की सारी इन्फो वहां पर होनी चाहिए राइट तो मैन्युफैक्चर विल शेयर द मैन्युअल ऑफ प्रोडक्ट डिटेल सारी इंफॉर्मेशन वहां देंगे ताकि रिपेयर बाय सेल्फ या थर्ड पार्टी या ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से भी करवाना है तो कंज्यूमर डिसाइड कर सके इनिशियली ये मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑटोमोबाइल फार्मिंग इक्विपमेंट को कवर करता हुआ होगा सो so, इस पोर्टल पोर्टल पे राइट टू रिपेयर का मतलब हमारे पास अधिकार होना चाहिए हम कहीं से भी रिपेयर करवाना चाहिए उसके लिए प्रोडक्ट की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए एंड uh, इसके लिए जुलाई 2022 में एक कमेटी बनाई गई थी हेडेड बाय एडिशनल सेक्रेटरी निधि खरे और उनके जो भी रिकमेंडेशन और जो बातें आई उसके तहत पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन किया गया राइट टू रिपेयर पोर्टल का मेथी बिकम नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंडियाज ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर होगा वीडियो गेम्स ऑनलाइन जो गेम्स होते हैं उसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है कौन बना है मेथी बना है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से रिलेटेड गेम्स जो ऑनलाइन गेम है तो मेथी आ जाएगा और बहुत ही जल्दी रूल्स लेकर के आएंगे ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीजरीज के लिए जो भी कंपनीज होती हैं जो ऑनलाइन गेमिंग करवाती हैं उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लाए जाएंगे एंड अगेन मे ट्वेंटी में इसके लिए एक सेवन मेंबर टास्क फोर्स मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स असाइन की गई थी जिसको चेयर किया था राजीव चंद्रशेखर ने और उन्हीं के बेसिस पे अब ये सारे रूल्स वगैरह सामने आएंगे मेन एम क्या है ऑनलाइन गेमिंग जो है उसको रेगुलेट करना ओके okay? और ऑनलाइन गेमिंग बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है करंटली एस्टिमेटेड टू पॉइंट सिक्स बिलियन और एक्सपेक्टेड है का का आपसे क्वेश्चन किया था उसी का आंसर आ रहा है इंडिया असिस्टेड मांगडेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर टू भूटान ड्रंग ग्रीन पावर कॉर्प भूटान का ये एक प्रोजेक्ट है मांगडेचू और इसमें इंडिया ने सपोर्ट किया 720 मेगावाट मेगावॉट का प्रोजेक्ट है जॉइंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग ने इसको 2019 के अंदर इनाग्रेट किया था और इसके ऊपर जॉइंटली uh, काम चल रहा था इंडिया असिस्ट कर रहा था अपनी पूरी टेक्नोलॉजी uh, और नॉलेज से और अब इसको कंप्लीटली हैंड ओवर कर दिया है यह स्टेब्लिश किया गया है मांडेचुर रिवर जो कि थ्रोंगसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सेंट्रल भूटान में पड़ता है इससे भूटान की जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कैपेसिटी है 44 परसेंट तक बढ़ गई है और यह बेंचमार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है क्योंकि बहुत कम लागत पे बहुत कम समय के अंदर तैयार किया गया है हाई क्वालिटी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए और इसी के चलते इसको ब्रुनेल मेडल ट्वेंटी भी दिया गया बाय Institute of Civil Engineers London. Alright, chali. IOCL यानी इंडियन ऑयल टू हेल्प टीबी एलिमिनेशन एफर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ सो IOCL जो है वो टीबी टीबी जो होती है ट्यूब उसको एलिमिनेट करने के लिए मदद करेगा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर क्यों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरे इंडिया के अंदर क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोड है टीबी का वो यूपी और छत्तीसगढ़ में ही देखा गया है और इंडिया ने टारगेट ये रखा है दो तक हमें टीबी मुक्त होना है और अभी भी हम टारगेट से बहुत पीछे हैं तो ऐसे में सबसे पहला कॉरपोरेट है जो कि सामने आया है वो है आई यालो और उसने एमओयू साइन किया है सेंट्रल टीबी डिवीजन के साथ में और यूपी और छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ में कि हम आपके जो टीबी एलिमिनेशन का जो पूरा मुहिम है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे फास्ट uh, बनाएंगे बिकॉज़ जो ऐसे केसेस हैं जो टीबी पॉजिटिव टीबी पॉजिटिव हैं और जो फॉलोअप केसेस हैं उनके लिए हम मैकेनिज्म्स प्रोवाइड करेंगे आपको ओके okay, अब इसमें क्या है देखिएगा सो इंडियन ऑयल पहला कॉर्पोरेट बना है जो कि सप्लीमेंट करेगा एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के अंदर एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन नए नए केसेस जो आ रहे हैं टीबी के उनको ढूंढ सके ताकि उनके ऊपर काम किया जा सके और ये इन्वेस्ट करेगा करीब 64 करोड़ यूपी के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर और डब्ल्यू के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ट्वेंटी सिक्स परसेंट टीबी टीबी जो वर्ल्ड में आते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी में जो रिपोर्ट हुए थे वो इंडिया में थे पूरे दुनिया के 26% परसेंट ट्वेंटी सिक्स परसेंट टीबी केसेज वर इन इंडिया और उसके अंदर भी सबसे ज्यादा लोड कहाँ था यूपी और छत्तीसगढ़ के अंदर था और हमारा टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है देन uh, जो इंडियन ऑयल है वो इंट्रोड्यूस करेगा एक्सरे यूनिट्स मोबाइल मेडिकल वैन्स इक्विपमेंट्स जिससे कि uh, जो केसेस हैं वो पकड़ में आ सके और हर साल ट्वेंटी फोर्थ मार्च को वर्ल्ड क्लासेस डे की तरह ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया एंड साइप्रस अग्रीमेंट ड्यूरिंग एस जयशंकर विजिट टू निकोसिया हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर उनका विजिट रहा निकोसिया के अंदर और वहां पर तीन अग्रीमेंट साइन हुए उनका मेन क्रक्स आप देख लीजिए पहला रहा कि मिलिट्री और डिफेंस कोऑपरेशन जो दो देशों के बीच में है उसको बढ़ाना है दूसरा इमिग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप में लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया जिसके तहत जो मोबिलिटी uh, है स्टूडेंट्स की अकेडमिशन की बिजनेस लोगों की वो दोनों देशों के बीच में और इम्प्रूव हो सके और uh, उसी के साथ साथ जो इरेगुलर माइग्रेशन होता है है ना उसको कम किया जा सके देन साइप्रस uh, को आई एस uh, में ज्वाइन कराने के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर राइट right? उसी के साथ साथ सिक्सटी ईयर्स पूरे हो गए हैं डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस तो ये रहा साइप्रस और उसकी कैपिटल निकोसिया ये रिपब्लिक ऑफ निकोसिया के बारे में कुछ स्टार्ट है जो आप देख सकते हो वॉट इज अम ऑफ द डिजिटल प्रोजेक्ट फंडेड बाई गूगल टू मैप द लैंग्वेज डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की भाषा विविधता का मानचित्रण करने के लिए गूगल द्वारा वित्त पोषण डिजिटल परियोजना का क्या नाम है आंसर इज प्रोजेक्ट वाणी वाणी हमारी लैंग्वेज वाणी से ना तो गूगल क्या करेगा मैप करेगा हमारे अलग अलग तरह के जो लैंग्वेजेस हैं और जो बोलने के तरीके हैं ताकि वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेशन जो होते हैं उनमें हेल्प किया जा सके उसी तरह उसी के साथ साथ जो स्पीच सेट्स हैं सेवेंटी सेवन सेवन थ्री डिस्ट्रिक्ट में मिलियन पीपल लोगों लोगों का यानी दस लाख लोगों का जो डायलेक्ट है या जो स्पीच का तरीका है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि बहुत बेटर तरीके से ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन और स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज दैट इज़ आई आई सी बैंगलोर ए आई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क और गूगल इन्होंने पार्टनर किया है प्रोजेक्ट वाणी इनिशिएटिव के लिए सो इसके साथ में हम वाइंड अप कर चुके हैं पूरा नेशनल न्यूज का सेक्शन काफी बड़ा सेक्शन था पर ऑल द पॉइंट्स वर वेरी इंपॉर्टेंट हम कुछ भी मिस आउट नहीं कर सकते थे अब हम शुरुआत करते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन के साथ विस्तारा टू मर्ज विथ एयर इंडिया बाय 2024 विस्तारा एयलाइंस जो है वो मर्ज कर जाएंगी एयर इंडिया के साथ ट्वेंटी में ये टाटा सन्स ने अनाउंस कर दिया है और टाटा सन्स ही ओनर है एयर इंडिया के नाउ इससे पहले सिंगापुर एयरलाइंस ने भी सेम अनाउंसमेंट किया था कि सिंगापुर एयरलाइन भी एयर एशिया के अंदर मर्ज कर जाएगी विस्तारा एयरलाइन के बारे में आप देख लीजिए जॉइंट वेंचर है टाटा सन्स का और सिंगापुर एयरलाइंस का और टाटा ग्रुप जो है इसमें 51 परसेंट स्टेक रखता है विस्तारा के अंदर रिमेनिंग फोर्टी सिंगापुर एयरलाइंस रखता है नाउ मर्जर के बाद यानी जब विस्तारा भी मर्ज हो जाएगा सिंगापुर भी मर्ज हो जाएगा एयर एशिया के साथ में तो सिंगापुर एयरलाइंस 25.1 फाइव पॉइंट वन परसेंट स्टेक ले लेगी ले एयर इंडिया का ठीक है एक बात क्लियर होगी दोनों इसमें मर्ज हो जाएंगे और इसका 25.1 परसेंट स्टेक सिंगापुर एयरलाइंस के पास में चला जाएगा टाटा ग्रुप प्लान कर रहा है अपना एयर एशिया एक्सप्रेस एंड एयर एशिया इंडिया भी एयर इंडिया में मर्ज करने का मतलब सब कुछ जो भी टाटा ग्रुप के एयरलाइंस हैं वो सारे के सारे एयर इंडिया के अंदर मर्ज हो जाएंगे 2024 तक एयर इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हो एयर इंडिया जो टाटा ने 1932 में बनाया था फिर आ, इसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया था नेशनलाइज कर दिया था 1953 में फिर वापस से सोल्ड बैक कर दिया था टाटा ग्रुप को उन्होंने इसको 18,000 थाउजेंड करोड़ की डील में जनवरी 2022 में लिया था मर्जर के बाद एयर इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर बन जाएगा इंडिया का और सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर क्योंकि लार्जेस्ट डोमेस्टिक कैरियर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस के अंदर है वो कौन है वो इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड है इंडिगो इंडिको वाला ठीक है और इंटरनेशनल के अंदर इंडिया का लार्जेस्ट एयरलाइन एयर इंडिया बन जाने वाला है आफ्टर दिस मर्जर ओके नेक्स्ट न्यूज़ एज पर वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा 6.9% के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर सो so, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाला है 6.9% एज पर वर्ल्ड बैंक नाउ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग हुई और उसके क्या नतीजे निकल के आए वो हमने देखने हैं सामने सो आरबीआई द रेपो रेट पहली चीज 6.25 परसेंट हो गई है रेपो रेट बढ़कर इस मीटिंग के बाद आरबीआई ने लोअर किया है जी डी पी ग्रोथ प्रोजेक्शन इंडिया का फॉर द करंट फिस्कल ईयर 6.8 परसेंट पे इन्होंने ला दिया है पहले 7 परसेंट था सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो फोरकास्ट

रेट्स uh, हैं जो policy, uh, कि मॉनेटरी पॉलिसी के तहत है तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी रेट में देख लीजिए रेपो रेट हमने देखी 6.25 रिवर्स रेपो, रेपो रेट 3.35 मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.5 हमने देखी ही बैंक रेट 6.5 हमने देखा सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो 4.5 एसएलआर यानी स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आ गया एटीन एंड एस यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट आ गई सिक्स बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड टू डाइवेस्ट मेजोरिटी स्टेक इन नैनीताल बैंक डाइवेस्ट यानी उन्होंने जो भी इन्वेस्ट कर रखा था वो बाहर निकाल लेना सो नैनीताल बैंक के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा का जो भी स्टेक है वो डाइवेस्ट करना चाह रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा सो बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी का विनिवेश करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है डिसवेस्टमेंट डाइवेस्टमेंट हैिटी स्टेक होल्डिंग नैनीताल बैंक में जो भी है उसकी बीओबी करेंटली नाइनटी एट पॉइंट फाइव सेवन परसेंट ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर नैनीताल बैंक के होल्ड करता है और बीओ बी ने टेक ओवर किया था नैनीताल बैंक में आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से और नैनीताल बैंक की वन फिफ्टी ब्रांचेस वेरियस स्टेट और अब बी ओबी डाइवेस्ट कर जाएगा ये अप्रूवल आ गया है देन जिंदल शीद ग्रुप टू सेटअप थ्री बिलियन डॉलर ग्रीन स्टील प्लांट इन ओमान ग्रीन स्टील की हमने बात की थी राइट right? तो थ्री बिलियन डॉलर का लागत का ग्रीन स्टील प्लांट ओमान के अंदर कौन सेटअप कर रहा है इंडियन इंडियन जिंदल ग्रुप का जिंदल ग्रुप सो ये जो प्लांट होगा ये फाइव मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोड्यूस करेगा एक साल में और नेचुरल गैस का इस्तेमाल करेगा इस प्रोडक्शन के लिए जिंदल शादी ग्रुप होली ओन सब्सिडरी है नवीन जिंदल के जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का जो कि इंडियन कंपनी है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया आफ्टर चाइना एंड यू एस एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूएस और चाइना के बाद कौन है यू ए ई है यूनाइटेड अरब एमिरट्स है और हमारा जो ट्रेड है इनके साथ में वो वैल्यू करता है सेवेंटी टू पॉइंट एट बिलियन यूएस डॉलर एज पर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू डेटा और देन वॉट इज अबू धाबी

इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में बताएंगे और कवर करवाएंगे इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2037 थर्टी एज पर सीईआरबी सो यूके बेस्ड एक इकोनॉमिक कंसल्टेंसी फर्म है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च सीईआरबी उसके तहत 2037 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर ऑफकोर्स यूएस एंड चाइना एनुअल रिपोर्ट जो थी एक वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल फोर्टीन एडिशन उसके तहत यह है और इसका जो ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट जो अज्यूम किया है या एस्टिमेट किया है नेक्स्ट फाइव इयर्स में इंडिया एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाएगा एवरेज सिक्स पॉइंट फोर परसेंट से उसके बाद एवरेज सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट से नाइन ईयर सब्सिक्वेंटली और अभी अगर हम ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की बात करें तो सिक्स पॉइंट एट परसेंट एक्सपेक्ट की गई थी इंडिया की जीडीपी एज पर दिस रिपोर्ट इसी के साथ साथ दूसरी और रिपोर्ट्स जो कि हमारे ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड है वो देख लेते हैं तो आईएमएफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया इज लाइकली टू ओवरटेक ग्रेट ब्रिटेन और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन जाएंगे 22-23 में आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स चाइना जापान एंड जर्मनी फिर इंडिया का नाम आएगा और फिर यूके का सॉरी ग्रेट ब्रिटेन का नाम आएगा एज पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और आई के हिसाब से टू थाउजेंड तक हम थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएंगे फिर अगर हम बात करें सेवी इको रैप रिपोर्ट की तो इंडिया इज लाइकली टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2029। ट्वेंटी नाइन सो सर ने बोला 37 तक बनने का देन आई uh, की जो रिपोर्ट है वो बोलती है 27 28 तक बन जाएंगे सेवी से इको रैप बोलती है ट्वेंटी तक बन जाएंगे ओके okay, सॉरी हम बैक चले गए फॉरवर्ड चलना है चलिए इंडिया फर्स्ट एवरश्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च इन इंडिया तो इंडिया में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके लिए श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है श्योरिटी बॉन्ड क्या होता है श्योरिटी बॉन्ड्स सरकार को यह श्योरिटी देती है कि अगर आपने ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को अपने प्रोजेक्ट के लिए साइन किया है और अगर वो टाइम पे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता है प्रोजेक्ट खराब निकल जाता है तो आपने जो भी उसको पैसा दिया वो डूबे ना उसकी श्योरिटी हम लेते हैं वो पैसा हम आपको लौटा के देंगे और यही श्योरिटी बॉन्ड कॉन्ट्रैक्टर को यह हेल्प करते हैं कि आपको सरकार को कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ना देना पड़े अपनी तरफ से कोई गारंटी ना देना पड़े उसके लिए आपका पैसा ना अटके तो हम आपके बिहाफ पर सरकार को गारंटी देंगे और आपको उसके लिए कोई श्योरिटी या कोई सिक्योरिटी हमारे पास रखवाने की जरूरत नहीं है तो एक तरह से जो श्योरिटी बॉन्ड इशू करने वाली जो कंपनी है जो इस केस में कौन सी है बजाज एलियंस ये बजाज एलियंस सरकार को भी हेल्प कर रही है उनको श्योरिटी दे रही है कि आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए अगर वो काम ठीक नहीं करते हैं, तो हम पैसा लौटाएंगे और कॉन्ट्रैक्टर को हेल्प कर रही है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट ना तो मेरे पास रखवाना है ना सरकार को अपना कोई पैसा अटकाना है आप अपना प्रोजेक्ट करो आराम से अगर आपके बिहाफ पे क्योंकि मैंने श्योरिटी दे दी है ठीक है तो इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में पहली बार आया है जो सरकार बड़े बड़े बिल बिल्डिंग्स हो गए रिवर आ, पुल बनवाती है हाईवेज बनवाती है ब्रिजेस बनवाती है उन सबके कॉन्ट्रैक्ट जब देती है तब अब ये रुकावटें नहीं आएंगी कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दें या नहीं दें स्मूथ चलेगा या काम नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं अटकेगा कि मेरा वर्किंग कैपिटल अटक रहा है सारे काम स्मूथली चलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा आई होप आई मेड थिंग्स क्लियर टू यू सो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस जो है वो रिस्क ट्रांसफर टूल है गवर्नमेंट को शील्ड कर देता है लॉसेस के अगेंस्ट और कॉन्ट्रैक्टर से कोई भी कोलेट्रल नहीं मांगता जो कोई चीज गिरवी रखवाओ भाई आपकी श्योरिटी जैसे बैंक भी देते हैं बैंक देते हैं लेकिन बैंक जब आ, देते हैं तो वो कोलेट्रल मांगते हैं ठीक है कि आप हमारे पास कुछ चीज गिरवी रखो तभी तो हम आपकी गारंटी करेंगे लेकिन यहाँ पे जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल नहीं मांगा जाता सो so इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे तो श्योरिटी बॉन्ड के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है एक होता है प्रिंसिपल जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है दूसरा होता है ओबलाइजी जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट है और तीसरी पार्टी है श्योरिटी जो कि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है इस केस में हमारे केस में बजाज एलियांस हो गई ठीक है चलिए So, ये हो गए हमारे आज का पूरा वीडियो खत्म लास्ट में आपको एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ट्राई कीजिएगा जो अगला वीडियो हम करेंगे लास्ट वीडियो जो होगा मंथली सीए दिसंबर का विच विल कवर स्पोर्ट्स न्यूज एंड इंटरनेशनल न्यूज उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो साइंस 200 मिलियन यूरो कॉन्ट्रैक्ट विद विच फुटबॉल क्लब सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नए फुटबॉल क्लब के साथ में अपना एक अग्रीमेंट किया है और वो कौन सा क्लब है आपसे पूछा जा रहा है पुराना क्लब नया क्लब दोनों लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है कितने साल का अग्रीमेंट है वो लिख देंगे तो और भी अच्छी बात है ठीक है सो इसके साथ में आज के वीडियो को खत्म करते हैं एंड जल्दी मिलते हैं फाइनल पार्ट के अंदर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग ईयरबुक और रिगार्डिंग ट्वेंटी करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन या कोई भी कोर्सेस एंड सब्सक्रिप्शन जो परचम ऐप पे मिलते हैं या कोई भी चीज़ अगर आपकी अटकती है पीडीएफ लेने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज राइट डाउन ऑन परचम क्लासेज जीरो सिक्स एट जी मेल डॉट कॉम परचम क्लासेज जीरो सिक्स एट जी मेल डॉट कॉम ये ई मेल आई डी है वर्किंग आवर्स में टीम बहुत एक्टिव रहती है इस पर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनका रिसॉल्व मिल जाएगा ठीक है और सारे सोशल हैंडल्स से जुड़ जाइए इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक Uh, क्योंकि और YouTube की कम्युनिटी, बिकॉज जो भी कुछ होता रहता है वो यहाँ पे आपको इन्फॉर्म किया जाता रहता है टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेव सिया बाय